गाइस, मेरा नाम है शुभोजित घोष और आज मैं मेरे वाइफ के साथ एक नया यूट्यूब चैनल ओपन करने जा रहा हूँ। तो आज ये यूट्यूब चैनल ओपन करने का जो मेन रीज़न है वो है कि आज हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी है और हम घूमने जा रहे हैं वन डे ट्रिप के लिए सुलावाइंस में। तो हम आपको उस ट्रिप के बारे में पूरा डिटेल देंगे, जहाँ स्टे करेंगे उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। नया हूँ, बिगिनर हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, तो अगर कुछ भी भूल चूक हो तो ज़रा माफ़ कीजिएगा और सपोर्ट पूरा कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। गाइज, इस यूट्यूब चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और चलिए आगे मिलते हैं ट्रिप पर। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम जा रहे हैं सुलावाइंस, तो हम निकल चुके हैं और ये देखिए हम नासिक पहुंच चुके हैं। कल्याण से निकले थे मेरी वाइफ, तो आगे और भी मिलाऊंगा, इनसे बात कराऊंगा। फिलहाल हम जा रहे हैं, ये नासिक स्टेशन है, यहाँ से आई गेस कुछ 40-45 मिनट्स का डिस्टेंस है, तो उसके बाद हम सुलावाइंस पहुंच जाएंगे। आपको पूरा अपडेट देता हूं मैं, बने रहिए हमारे साथ। और ये नासिक रोड रेलवे स्टेशन है, तो यहां से आप जब आओगे बाहर तो यहां पे आप देखोगे तो आपको टैक्सी ऑटोज आपको काफ़ी मिल जाएंगे, आप ओला भी कर सकते हो। फिर भी मैं जिस ऑटो से जा रहा हूं उसका मैं नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा, आप कभी आते हो तो आप उसके थ्रू जा सकते हो। लोकल है तो उसको रास्ता मालूम है कहाँ से आपको लेके जाना है, तो आप इजीली फिर आप ट्रैवल कर सकते हो उसके थ्रू और आते टाइम भी उसी के साथ आ सकते हो। डिस्टेंस अराउंड 40-45 मिनट्स का है। हियर वी आर, हम अमंता रिसोर्ट पहुंच चुके हैं। सुलावाइंस के अंदर तो जगह मिला नहीं, एक्चुअली बुकिंग्स काफ़ी हो चुका था, तो हमने अमंता रिसोर्ट में स्टे करने के लिए प्लान किया है। तो ये अमंता रिसोर्ट है, इसकी सारी डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूंगा बाद में एंड बाकी आपको पूरा टूर भी कराऊंगा अंदर का। चलिए बने रहिए। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अंदर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ मैंगो ट्रीज़ है हर जगह पे, 100 के ऊपर ट्रीज होंगे, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। हर झाड़ पे देखो आप, आम भरे पड़े हैं। बहुत बढ़िया है यार, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है, हर जगह पे मैंगो ट्रीज, हर जगह पे, फ्रंट बैक एवरीवेयर देख रहे। ये मेरा कॉटेज है आज के लिए, ये मेरा स्टे है, तो आपको अंदर का भी टूर कराता हूँ, रूम का भी आपको दिखाता हूँ, सब कैसा है, अच्छा है या नहीं, सब आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये है मेरा रूम, पूरा कॉटेज वाला फील आने वाला है आपको, प्रॉपर कॉटेज वाला फील, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है भाई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा, बट काफ़ी प्रीमियम है, आप देख सकते हो, एकदम यूनिक। छोटा सा बालकनी हो गया यहाँ पे,
ये आपका वॉशरूम, कबर्ड दिया हुआ है। देन एक और चीज़ है, यहाँ पे आप जाओगे बाहर की तरफ तो यहाँ पे भी वापस बालकनी है। इस बालकनी में भी आपको दो चेयर्स दिए हुए हैं विद टेबल। पीछे देखोगे तो यहाँ पे भी मैंगो ट्रीज एवरीवेयर। बहुत बढ़िया है यार, रूम तो बहुत बढ़िया है। सो आते ही मैडम को भूख लग गया था तो हम लंच करने चले आए। अमंता रिसोर्ट के अंदर ही इनका खुद का इन हाउस होटल रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी अच्छा है, डिलीशियस फूड था। हमने बेसिक आइटम्स ही लिए थे नॉनवेज में, बट खाना बहुत बेहतरीन था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा खाना होगा, बट यस द फूड वॉज रियली गुड। सो हम निकल चुके हैं सुला वाइन्स को जाने के लिए। अमंता रिसोर्ट से निकल चुके हैं, यहाँ से 5 मिनट्स का वॉकिंग है और ये सुला वाइन्स की तरफ हम लोग चलते हुए जा रहे हैं। यहाँ से वॉकिंग 5 मिनट्स का डिस्टेंस है। ये सुला का ही एरिया है, आप देख सकते हो अंदर की तरफ। ये एरिया तो सुला का ही है, लेकिन सुला का गेट जो है वो टूवर्ड्स थोड़ा और आगे की तरफ जाना पड़ेगा। तो आगे जाके देखते हैं, एंट्री लेने के बाद फिर आपको अंदर का व्यू भी दिखाएंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा। और ये हम आ गए सुला वाइन यार्ड्स के अंदर। आप देख सकते हो क्या नज़ारा है गाइस, वाओ। अब ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह यहीं पे आके घुस जाना चाहिए था। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है भाई, बहुत ब्यूटीफुल। गाइज यहाँ का जो एंट्री फीस है वो 1000 रुपीज़ पर पर्सन है, जो कि आप अंदर जाके रिडीम कर सकते हो। तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया लगा मुझे। आप अंदर जाओगे, अंदर शॉपिंग करोगे, अंदर सुला वाइन्स के आप बॉटल्स परचेस करोगे, वाइन टेस्टिंग करोगे, या जो भी है आप थोड़ा ब्रेकफास्ट डिनर जो भी करोगे वहाँ पे आप इस मनी को रिडीम कर सकते हो। आप पीछे मेरे देख सकते हो बड़े बड़े वाइन के बॉटल्स। अब हम जाएंगे वाइन टेस्टिंग करने के लिए, वहाँ के भी वीडियोस आपको बताएंगे। फिलहाल देख लीजिए इतने बड़े बड़े बॉटल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। बेसिकली हम लोग जो टूर पे आए हुए हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग वाइन टेस्टिंग करने वाले हैं, तो ये एक रूम है जहाँ पे आपको जो बोलते हैं ना कि वाइन जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है, द ओल्डर द वाइन द टेस्टियर इट इज़। तो इन दैट केस ऐसे बैरल्स में वो वाइन को रखा जाता है एंड ये काफ़ी महीनों तक इसके अंदर होता है। सो गाइज आज के लिए काफ़ी है, सुला वाइन्स का टूर कम्प्लीट। काफ़ी बढ़िया टूर था, हमने वाइन टेस्टिंग किया, वाइन कैसे बनता है उसके बारे में आइडिया मिला, वाइन कैसे फर्मेंटेशन क्या होता है क्या नहीं होता है टोटल डिटेल में हम लोग को बताया गया अंदर। तो काफ़ी बढ़िया टूर था। अभी हमने एक एक वाइन ख़रीदा है, ख़रीदने के बाद अभी जा रहे हैं अपने रिसोर्ट पे। अब जाने के बाद थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे,
एज आपको मैंने पहले ही बताया था, आज मेरा एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी, सो वी गोना सेलिब्रेट। चलो बाय गाइज, वापस मिलते हैं थोड़े देर। ये रात का व्यू अनंता रिसोर्ट का, अब हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल की तरफ, क्योंकि सुबह मौका मिले ना मिले उससे अच्छा चलो जरा डुबकी लगा लेते हैं, जरा स्ट्रेस दूर कर लेते हैं अपने पूल में जाके। तो आपको पूल दिखाता हूँ यहाँ का, और ये हम पूल की तरफ, पूल भी काफ़ी बढ़िया है गाइस। और सबसे बढ़िया बात, जो दूसरे होटल्स में नहीं होता, ये रात को भी अलाउड है पानी में उतरना। तो यार आ जाओ, चिल करो यहाँ पे, एंजॉय, और क्या चाहिए, रात को उतर जाओ पानी में, स्ट्रेस दूर कर लो अपना। अमंता रिसोर्ट ने आज रात का डिनर का प्लान ऐसे बनाया हुआ है, रूफ टॉप पे भी इनका डिनर का अरेंजमेंट है, काफ़ी बढ़िया अरेंजमेंट लग रहा है फिलहाल तो, जाके देखते हैं। और ऊपर लाइव म्यूजिक भी है, बढ़िया है यार। मॉर्निंग गाइज, अमंता रिसोर्ट के बारे में मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ ये लगा कि इन्होंने छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान दिया हुआ है, जैसे कि इन्होंने छोटे कॉफ़ी के, नेस्कैफे के पैकेट्स, शुगर, जिनको चाय चाहिए उनके लिए चाय, यहाँ पे केटल दे दिया है, इलेक्ट्रिक केटल, कप्स, बिस्लरी के बॉटल, तो बेसिकली इन्होंने सब चीज़ों पर ध्यान दिया है, तो ताकि आप सुबह उठ के खुद ही अपना कॉफ़ी बना सकते हो, खुद ही कॉफ़ी या चाय जो भी है आप बना के पी सकते हो। तो यहाँ पे मैडम अभी बना रही है, चलो थोड़ा कॉफ़ी पी लेते हैं, आज वैसे मैं भी चेकआउट करना है। तो गाइस हमने चेकआउट कर लिया है अमंता रिसोर्ट से, बढ़िया टूर था वन डे के लिए, बहुत बढ़िया जगह है यार, एक दिन के लिए तो आ ही सकते हो, हैंग आउट कर लो, चिल्ड प्लेस है, सुबह आ जाओ, दोपहर को झूला वाइंस घूम लो, रात को थोड़ा पूल में डाइव लगा लो, बहुत सही है रिलैक्स करने के लिए, बहुत सही जगह है, एक बार तो आना ही चाहिए, क्या बोलते हो, आना चाहिए कि नहीं, बढ़िया जगह है ना। चलो गाइस वापस मिलेंगे कभी ना कभी, कोई ना कोई ट्रिप पे, तो चलो लेट्स क्लोज दिस व्लॉग टुडे।